इनका साफ यही कहना कि ये इनका ही मामला नहीं है, लेकिन जब से ये लोग अधिकारी आए हैं तब से एक भी जमीन का निपटारा नहीं हुआ। बिरौल के बहुत सारे पंचायत में डेली कोई ना कोई मीडिया उछालते रहते हैं, लेकिन ये जो अधिकारी है इनके ना कान पे जू रेंगती है, बस भूल जाते हैं कि कल ये काम खत्म हो जाएगा। और आप क्या क्या मांग है जो आप कटैया के लिए बैठे हुए हैं? ऐसे तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, बीच में अतिक्रमण यहीं पे हुआ है। आपका कहना है कि जो अधिकारी थे उनको बोल दिया गया, जिनका पहचान था ऊपर तक, कि आप खोल लीजिए, दो दिन के बाद लगा दीजिएगा, लेकिन जो गरीब तबके थे उनका घर को तोड़ दिया गया बुलडोजर से। और जाहिर सी बात, मेरे सामने की बात है कि जो बड़े अधिकारी थे उनका जो अगर अवैध निर्माण था उनको बोला खोल दिया जाए, लेकिन जो गरीब तबके थे उनका पूरा तोड़ दिया गया। आप लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं, आप कुछ बड़ा कदम करने के लिए क्या आप बोल रहे हैं? देखिए, अब तो हमें जो है इस सरकार के विरोध में कुछ न कुछ जो है आंदोलन जो है तीखी करना पड़ेगा, और तीखी आंदोलन के साथ बिरौल अंचल के 2600 पंचायत यानी 25.5 पंचायत है, आधा पंचायत जो है अब जला जो है कट गया है आपको जो है नगर निगम में, 25.5 पंचायत में जो जितने भी दलित परिवार के लोग है ना, दलित परिवार, महादलित परिवार, इनके साथ ही जो है जुल्म, अल्पसंख्यक जगह जगह पर अल्पसंख्यक परिवार को जो मतलब नीचे तबका के हैं उनके साथ, यानी इन्हीं के साथ इस तरह का जो मामला क्यों होता है? यहाँ पर जो बड़े बड़े जो ऊंची जात के लोग हैं उनके साथ क्यों नहीं होता है? बड़का बड़का जमींदार है, वो सरकार के जमीन रखा है, उसको क्या नहीं तोड़ता है? गरीब अगर जो है सरकार के जमीन में एक झोपड़पट्टी डाल करके अपना गुजर बसर करता है तो उसको तोड़वा दिया जाता है। तो इसी तरह जो है आपको जो है अंबा है, अंबा में भी जो है मुसहर समुदाय के लोग के साथ जो है इसी तरह का जो है बरसों से बसा हुआ, उसको बासगीत पर्चा नहीं दिया जाता है। कल्ला मुसहरी रोड पे बसा हुआ है, उसको नहीं दिया जाता है। बगल में हाटी है, यानी इसी पंचायत में ब्लॉक अनुमंडल पड़ता है हाटी उष्टी पंचायत में, यहाँ जो है एक गोछली नाम का एक गांव बना हुआ है हाटी गांव में, है ना, गोछली मोहल्ला, वहाँ जो है अपने से जा करके CO इंक्वायरी किया है, देख के आया, कहा तो गाँव में बसा हुआ है, और उसको जो है कागजात नहीं देता है, है ना। इसी तरह से जो है हर एक यानी अंचल में जितने भी पंचायत हैं 2600 पंचायत में इसी तरह का जो है सहसराम हो गया, पड़री हो गया, है ना, इटवा सिमनगर हो गया, जहाँ जहाँ कल्ला मुचोरी, यानी सब जगह इसी तरह का जो है माहौल बना हुआ है। भाई हम तो इस सरकार से जो है ना हैल कैल है, जो कि ये गरीब को जो है रहने देंगे या गरीब को मिटा देंगे, हमें जो है पता नहीं लग रहा है नीतीश बाबू का। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा ये सोचती है या ये करती है जो गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसके लिए वो कदम हमेशा उठाते रहे, इनका ये मामला नहीं है। ये पूरे इलाके का जो 26 पंचायत अप्रोक्स 25 पंचायत मानिए, और सबका ये मामला उठाते रहते, यही काम पूरे बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी करती हुई आ रही है, लेकिन आपको सहयोग नहीं मिल पाता है बड़ी पार्टी का, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि सहयोग इसलिए नहीं मिलता है जो हम गरीब हैं, और गरीब को जो है लोग है ना चाहता नहीं जो गरीब ऊपर उठे, गरीब और गरीब हो जाए, गरीब भूखे मर जाए, गरीब अनाज के बिना मर जाए। आज के दिन में जो है जो ये राशन कार्ड है गरीब को नहीं मिलता है, गरीब का नाम जो है 50% कट गया, 50% नाम कट गया, और जो जमीन वाले हैं, जो पूंजीपति वाले हैं, वो उनको जो है नाम, लेकिन गरीब का नाम छट गया। तो जहां भी कहीं है यानी गरीबी मिटाने का काम नहीं है, गरीब को मिटाने का काम है, ये सरकार का जो है यही जो है उनका जो है उद्देश्य है, जो गरीब को ही मिटा दिया जाए, गरीबी नहीं मिटाया जाए, है ना, न तो गरीब के जो है रोजगार दे दे। अभी मनरेगा में काम होता है, ये JCB से होता है, ट्रैक्टर से होता है, गरीब के नहीं, और वो जो है घूंघट डाल करके वो पैसा जाती है उठाने के लिए, ये गरीब के नाम किसके खाता पे पैसा नहीं आता है। तो जहां कहीं भी है केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक, यानी कि जितने भी सत्ता में है, वो जानबूझ करके गरीब को तंग किया जा रहा है। गरीब हैल कैल है, तय मान है, गरीब जो है भगवान के भरोसे जो है जब वोट के बारी आता है तो कहता है कि जो नहीं आप हम जो है सब मिल करके जो है हमको जो है MLA बनाइए, MP बनाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में दर्द में रहेंगे, लेकिन जब वोट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो जो है गरीब की तरफ जो है झांक करके नहीं देखते। अच्छा, कटैया मुसहरी के लिए क्या क्या मांग है आपकी? कटैया मुसहरी के लिए मांग है जो उनको अविलंब
जमीन उपलब्ध करा करके उन्हें 5 डिसमिल करके जमीन दिया जाए, मकान उनका तोड़ दिया है मकान बना करके दिया जाए, उनको जो है फिलहाल पोलोथीन का व्यवस्था तिरपाल का व्यवस्था किया जाए, जब तक उनके मकान बनता है उनको जमीन दिया जाता है और उनको मिडल भोजन के तहत उसको बच्चे को खाना दिया जाए, क्योंकि उनके अनाज जो था घर में सारे के सारे बर्बाद कर दिया ये लोग, खाने के लिए त्रयमान है। जाहिर सी बात है 3 बार अतिक्रमण कराया गया, पहली बार कैसा है कि इन लोगों को बाला फुसला के 2-4-5 घर तोड़ के सीओ साहब चले आए और उसके बाद रात में अतिक्रमण किया जा रहा है, शाम में किया जा रहा है और ये काम काज करने वाले हैं ना कोई देखने वाला ना टाइम कुछ बताया और डायरेक्ट जाके उनका घर तोड़ दिए, जो अनाज भी रखा हुआ था गरीबों का वो मट्टी ध्वस्त हो गया। अब भी इन लोग की स्थिति ऐसी है कि रोड पे रह रहे, बीच में बारिश भी हुई अब ठंडी आ गए, जो छोटे छोटे बच्चे वो कैसे गुजारा करेंगे, वो ठंडी ठंडी बच्चे को ठंडा लग रहा है, सारे के सारे बीमार पड़ा है, उनके पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, वो मर रहा है, आधे दिन जो है 2-4-5 को बच्चा मर चुका है, बूढ़े मर चुका है जो कि ठंडा लगा है, क्योंकि ठंडी गर्मी के कारण जो है मर रहा है, आज भी जो कटिया में जो है श्राद्ध हो रहा है ये ठंडी से मर गया है।